ग्वालियर में एक बार फिर बापू महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने हत्यारे नाथुराम गोडसे को सुर्खियों में ला दिया है। हिंदू महासभा ने बापू की पुण्यतिथि को गोडसे आप्टे स्मृति दिवस के रूप में मनाया है और इस दौरान हिंदू महासभा ने 5 हिंदू रक्षकों को गोडसे आप्टे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है, जिसमें बापू पर अभद्र टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण सहित 5 हिंदू महासभा के कार्यकर्ता शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू महासभा ने इस कार्यक्रम का 1 सप्ताह पहले ऐलान कर दिया था। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने न तो इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की और न ही इन पर कोई कार्रवाई की। हिंदू महासभा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक पुलिसकर्मी कार्यालय पर आया, लेकिन उसे भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने भगा दिया। देश का विभाजन करने वाले आप नीचे ले आओ, इधर बिल्कुल नीचे जाओ। गौरतलब है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज पूरा देश बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसके उलट बापू के हत्यारे का गुणगान किया जा रहा है। शहर में स्थित हिंदू महासभा कार्यालय पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बापू की पुण्यतिथि को गोडसे आप्टे स्मृति दिवस के रूप में मनाया और इस कार्यक्रम के दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदू महासभा ने इस दौरान हत्यारे नाथुराम गोडसे और आप्टे के गुणगान किए, उनके जयकारे लगाए। इस दौरान संत कालीचरण सहित 5 कार्यकर्ता को शाल श्रीफल देकर गोडसे आप्टे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने देश का जो विभाजन किया और उसका प्रतिकार जो कि 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और 50 लाख से अधिक हिंदुओं का विस्थापन हुआ, उसका प्रतिकार करने के लिए हुतात्मा नाथुराम गोडसे और हुतात्मा नारायण आप्टे जी ने श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ वो प्रतिकार किया था और उनकी गिरफ्तारी आज ही के दिन दिल्ली में बिरला भवन से हुई। इस पे हिंदू महासभा असहमत थी। इधर भी देख लो भाई, अपन एक ग्रुप कर लेंगे। बहुत नेक्स्ट अखिल भारत हिंदू महासभा ग्वालियर के द्वारा आज हुतात्मा नाथुराम गोडसे, हुतात्मा नारायण आप्टे, जिन्होंने देश के विभाजन का प्रतिकार किया और श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का प्रतिकार करते हुए वो कार्य हुआ था, ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तारी को जो बिरला भवन दिल्ली से हुई थी उसे हिंदू महासभा जो है आक्रोश व्यक्त करती है और आज हमने 5 जो है महापुरुषों को जो हमारे रत्न हैं, जो इन्होंने हुतात्मा नाथुराम गोडसे नारायण आप्टे जी के स्मृति में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है, उन्हें हम आज जिसमें पंडित कालीचरण जी महाराज संत जी का जो है सम्मान हुआ, उनका सम्मान प्रमोद लोपात्र जी ने लिया है जो वो पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ गोडसे मंदिर ग्वालियर में बनाने पर 4 लोगों को जेल यात्राएँ झेलनी पड़ी। उन श्री किशोर माहौर, श्री आनंद माहौर, श्री नरेश बाथम और श्री पवन माहौर को जो है हमने इस गोडसे आप्टे भारत रत्न से सम्मानित किया है। हमारी मांग है कि ग्वालियर के अंदर जो क्रांतिकारी शहीदों ने 750 गंगादास की शहीद शाला वाले साधु संतों ने जो बलिदान दिया है उसका अभी तक कोई भी प्रतीक चिन्ह ना कांग्रेस ने बनाया ना भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो बनाया जाना चाहिए। हिंदू महासभा राष्ट्रभक्तों को क्रांतिकारियों को हमेशा नमन करती है, इसी को हमने नमन किया है और हमने आज ग्वालियर हिंदू महासभा ने लोकेश शर्मा जिलाध्यक्ष और विनोद जोशी, मनोज जाटव, मुकेश बघेले, पवन गुप्ता जी के मुख्य आतिथ्य में आज जो है जो कार्यक्रम भारत और पाकिस्तान एक हो, हिंदुस्तान अखंड बने, इसका संकल्प लिया है। हमारी मांग है कि एक हो जाएगा
तो इस राष्ट्र का बहुत बड़ा विकास पूरे विश्व के अंदर होगा। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी का कभी हिंदू महासभा ने कोई अपमान नहीं किया। जो लोग तथा कथित लोग हैं वो कांग्रेस ही हैं जिन्होंने अपना जो है एक एक सिक्के का दो पहलू बन गए हैं, उन्होंने पलटी मारी है और वो बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम अपनी बात कहने चाहते हैं कि हिंदू महासभा देश का विभाजन करने वालों का प्रतिकार करने वाली पार्टी है और इसलिए हुतात्मा नाथुराम गौड़से नारायण आपटे जी ने ग्वालियर में इसी स्थान पर जो है 9 दिन रहकर ग्वालियर में जो है उस कार्य को करने के लिए संकल्प लिया था और कार्य किया था। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।